बिग बॉस ओटीटी में शुरू हो चुका है टिकट टू फिनाले के लिए सेमीफिनाले राउंड, जहां पहले राउंड में संचालक है निशांत और आमने सामने होंगे दिव्या और नेहा भसीन। दिव्या और नेहा काफी देर तक अपना अपना जार उठा के ट्रैक्स पर चलते रहे, वहीं दूसरी तरफ दिव्या को सपोर्ट कर रही थी सिर्फ मूस। वहीं राकेश, शमिता और प्रतीक ने किया नेहा को सपोर्ट। दिव्या का जार गिराने के लिए नेहा ने जहां उसके चेहरे पे रोज वाटर मिस्ट छिड़का, वहीं दिव्या ने नेहा पे छिड़का हिट, जिसके लिए फिर बिग बॉस ने मना किया। वहीं नेहा और दिव्या ट्रैक पे चलते चलते आपस में दो तीन बार भिड़े और एक दूसरे का जार गिराने के लिए खींचातानी भी की। आखिर में दिव्या के हाथ से जार गिराने की कोशिश में नेहा से छूट गया खुद का जार। वहीं नेहा के हाथ से जार गिरते ही दिव्या जीत जाती है ये राउंड और पहुंचती है सीधा फिनाले में। सेमीफिनाले का दूसरा राउंड होता है प्रतीक और राकेश के बीच, जहां बजर बजते ही प्रतीक टेबल पे पड़े राकेश के जार को गिरा देते हैं। वहीं राकेश का जार हो जाता है खाली और प्रतीक का रह जाता है भरा हुआ। फिर प्रतीक बार बार संचालक बनी मुस्कान से कहते हैं कि चल अनाउंस कर मैं जीत गया हूँ, जहाँ मुस्कान फिर से एक बार टास्क फाइल पढ़ती है और कहती है कि जब तक राकेश वो जार हाथ में नहीं लेता टास्क शुरू नहीं हुआ था। ये प्रतीक की गलती है कि राकेश को जार उठाने देना चाहिए था, तो इस वजह से राकेश ये राउंड जीतते हैं और प्रतीक आउट होता है। जहाँ प्रतीक गुस्सा होकर सबसे कहता है कि वो मेरी स्मार्टनेस थी कि मैंने ये किया। शमिता और बाकी घर वाले कहते हैं कि तुमने ओवर स्मार्टनेस की जिस वजह से तुम हार गए। तो व्यूअर्स, इसके बाद टिकट टू फिनाले का फाइनल राउंड होगा राकेश और दिव्या के बीच, जहाँ सभी अनुमान लगाए हैं कि दिव्या ये टास्क जीत के टिकट टू फिनाले जीतेंगी।